इतनी गर्मी, एसी लगवा दे, एसी लगवा दे। चलो जल्दी जल्दी है लता मंगेशकर चौक, जो कि आप लोग सामने से देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है, और ये ही ज़्यादा फेमस है लता मंगेशकर चौक, काफ़ी शानदार दिखता है। लुक है मेरा ये, मैडम चल आ रही है और ये नहा धोवा के संगम जी से हम लोग निकल चुके हैं। राम जी का दर्शन करने चलिए फटफट, ज्यादा दूर नहीं है, आने में ना लगा था, ज्यादा दूर नहीं, घबरा रहा। चलिए जय श्री राम, चलिए ना अभी बड़ी चिलवाएंगे हम, जय श्री राम। बोलिए कुछ बोलना है, ये है लता मंगेशकर चौक, जो कि आप लोग सामने से देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है, और ये ही ज़्यादा फेमस है लता मंगेशकर चौक, काफ़ी शानदार दिखता है, काफ़ी मस्त भी लग रहा है। तो देखते हैं, लता मंगेशकर चौक के बारे में आप लोग सब जानते भी हैं तो बहुत फेमस है, अभी तो पूरा अयोध्या बाकी है, अभी चल रहे हैं, अभी मंदिर दर्शन के लिए निकले हुए हैं, तो दिख गया तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बढ़िया बंद हुआ गेट, तो उलट जाइएगा, देखिएगा देखना, तुम लोग अपना देखो हमारा। ₹5 ये नज़ारा कुछ इस तरीके से है, और दुकान का सजावट देखिए क्या, सब जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, कुमार स्टोर, कुमार डेकोरेशन, मस्त मज़ा आ गया। ये देखिए जय श्री राम, जय श्री, मस्त सजावट है सबका एकदम, मतलब वैसे ही होना ही चाहिए, आए तो लगे कि हाँ नगरी में आ गए हैं, नया घाट हनुमानगढ़ी। रोडवा पर ट्रैक्टर आना है, सब साथ ही हम लोग, हमने पैदल पहुँच गए, नहीं हम लोग सब साथ में, कहाँ है लोग देखते रहिए रोड से। टोका लगवा लिए हैं और अभी अब हनुमानगढ़ी जाना है मंदिर दर्शन के लिए, हनुमानगढ़ी के बाद ही राम जी का दर्शन किया जाता है, वैसे भी आज शनिवार है, ब्लॉग कब आएगा पता नहीं, लेकिन आज हम लोग जब दर्शन कर रहे हैं तो शनिवार है। तो ये कुछ नजार के नज़ारे हैं, कुछ ये नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, देखिए वहाँ हनुमानगढ़ी, वहाँ जाना है, और भीड़ तो बड़ा ज़बरदस्त है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग ऑटो वाले से, ऑटो के साथ आए तो ऑटो वाले दूसरा रूट से आया, और ये रूट कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा एकदम भव्य नज़ारा के साथ। लता मंगेशकर चौक आप लोग को हम दिखा दिए, और बाकी यहाँ सब पूरी फैमिली है, पूरी ग्रुप है, तो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है और लोगों का। लता मंगेशकर चौक से आपको हनुमानगढ़ी आना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का लगभग में रास्ता है, ऑटो वाला लगभग में 20 रुपया देगा। हम लोग अब आ चुके हैं हनुमानगढ़ी, अभी रास्ता अभी जाते हैं हनुमानगढ़ी के, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, और देखते हैं कैसे मुकाबला होता है भीड़ से।
जो ले लिया हट गए वहाँ से। गर्मी गर्मी एसी लगवा दे, एसी लगवा दे, लगवाइए जल्दी। आपको लगवा के रेडी रखना था। हाँ ऐसा ठीक है, आज आज के लिए सेवा बंद है, कल से करेंगे। सो गाइस बहुत भीड़ में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब कोई लाइन में लगे हुए हैं लगभग एक घंटे से। तो गाइस ये किला है, किसी राजा महाराजा का किला है और नीचे दुकान उकान सब बना हुआ है। किला का तो उतना महत्व तो नहीं है, बट हाँ देखिए हनुमानगढ़ी पास ही में है। बोला जाता है कि पहले हनुमान जी का दर्शन के बाद ही राम जी का दर्शन होता है। दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन बहुत ही कष्टकारी हो रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा धक्कम धुक्कम। अभी बहुत लोग गिर भी गए थे, आप लोग देखे होंगे। अभी देखिए भीड़ कितना, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ, धूप उतना ही, गर्मी का टाइम उतना ही, बहुत ज़्यादा है, इतना भीड़ है।
कहने लगे भीड़ बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, समझ लीजिए कितना भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़। तो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, काफ़ी कष्ट करने के बाद हम लोग मंदिर फाइनली दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ भी बहुत धक्कम धुक्कम, बहुत ज़्यादा भीड़, इतना भीड़ है देख सकते हैं मंदिर सामने, और इतनी भीड़ है पूरा धक्कम धुक्कम, मतलब इतना ज़्यादा व्यवस्था ख़राब था कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था ख़राब था। हम मंदिर के प्रांगण में हैं, दर्शन करके आ गए हैं। मैंने दो को भीड़ घुसा दिया ना, इधर से भी घुसा दिया उधर से भी घुसा दिया, दोनों में मैथी हो जा रहा है। हाँ बाबा रे बाबा, जिंदगी में कहीं नहीं आएंगे। सही बात है, जो भगवान हमारा मुंह से शब्द निकला हो क्षमा कीजिएगा, लेकिन भाई गलत भी नहीं बोलेंगे। दूसरा जन्म मिला तो ये जानती है पांच लोग की। सही बात है। सब हम लोग ने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद अभी मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, ये है हनुमानगढ़ी का पूरा मंदिर। हम लोग दर्शन भी बहुत मुश्किल से हुआ है, अंदर आने के बाद भी उतना धक्कम धुक देख सकते हैं कितना भीड़ है, चारों तरफ से पूरा लाइन लगा हुआ, भीड़ इतना ही कि कहने लायक नहीं। प्रसाद चढ़ता है इस वजह से लगता है ज़्यादा भीड़ हो रहा है, लड्डू चढ़ता है यहाँ पर इस वजह से ज़्यादा भीड़ लग रहा है। तो हम लोग निकलते हैं, बाहर का सीन रहा है, बाकी तो व्यवस्था काफ़ी डैमेज लगा आप लोग को बताते हैं, लेकिन ये है हनुमानगढ़ी का सीन, ये देख लीजिए इस टाइप से है पूरा नज़ारा, कुछ बहुत पुराना मंदिर है हनुमानगढ़ी। तो गाइस सबकी हालत ख़राब हो चुकी है और सबको अब थोड़ा सा आराम करके चलेंगे, राम जी का दर्शन करें, हनुमान जी के दर्शन हो गए, बहुत कष्टकारी रही दर्शन। कैसा लगा आप लोग का ब्लॉग, इतना भीड़ में गर्मी के टाइम में तो मत आइएगा। अब चलते हैं हम लोग राम जी का दर्शन करने, आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते